दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है मुद्रा स्फीति पर आपको परिभाषा शेयर किया था। मुद्रा स्फीति यानी आप देखते हैं मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है आपने ये देखा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, किसकी उसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि मूल मुद्रा का कम हो जाता है, घट जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए इसमें। अब पिछला वीडियो को वो हो गया, अब उसके कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए उसी तारतम्य में मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने के कारण क्या है इसमें देखा बताया जाएगा। द रीजन्स, यहाँ पर बल्कि ये लगा दें, द रीजन्स फॉर अराइजिंग इन्फ्लेशन। तो आप नंबर एक में देखिए, यहाँ पर भी लिखा है मुद्रा स्फीति क्यों उत्पन्न होती है। ये आप नंबर एक में देखें, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन। अगर अत्यधिक मुद्रा निर्गमन हो जा रही है, कारण इसके जो दिखे जा रहे हैं, तो अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से भी आपकी समझ लीजिए कि मुद्रा का मूल्य गिरता है और महंगाई बढ़ती है। तो यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है ये, और मुद्रा का निर्गमन करता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। लेकिन एक रुपये का वित्त मंत्रालय भी, एक रुपये का मुद्रा निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है, जिसमें वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मुद्रा निर्गमन के कारण जो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है उसको चलन स्फीति कहते हैं, क्योंकि मुद्रा जो है प्रचलन में आता है, चलन में आता है, तो उसी लिए जो है यह चलन की स्फीति होती है। नंबर दो, अत्यधिक साख निर्गमन। मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने का दूसरा कारण है अत्यधिक साख निर्गमन। अत्यधिक साख निर्गमन का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जानना जरूरी है। व्यापारिक बैंकों द्वारा ये अत्यधिक साख जारी होता है, निर्गमन किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है, इसका वजह क्या है कि व्यापारिक बैंक जो है अत्यधिक साख जारी करते हैं, निर्गमन करते हैं, क्यों? तो उसका यह हुआ कि उधार ऋण नीति के चलते, उधार ऋण नीति जो सरकार की होती है उसके चलते जो है व्यापारिक बैंकों को अत्यधिक साख निर्गमन जारी करना पड़ता है। इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ती है या जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, उन सब के ये भी होता है। तो अत्यधिक साख निर्गमन के कारण जो स्फीति उत्पन्न होती है वह साख स्फीति कहलाती है। और नंबर तीन देखिए कि इस मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने के तीसरा कारण क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग। वस्तुओं और सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग भी मुद्रा के मूल्य में कमी लाता है, उसका महत्व घटता है और महंगाई बढ़ती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है, जिसकी वजह से तेजी से बढ़ती हुई मुद्रा की सक्रियता बढ़ जाती है। मुद्रा की सक्रियता, ये दोनों कारण इसमें है। अब इसकी वजह से जो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है वो मांग प्रेरित स्फीति कहलाती है। और नंबर चार है, उत्पादन लागत बढ़ने से कीमत में वृद्धि। उत्पादन लागत वस्तुओं और सेवाओं की, उत्पादन लागत जो वस्तुओं की अगर बढ़ जाती है, लागत का खर्च बढ़ता है, तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। बढ़ने की वजह से भी मुद्रा स्फीति आती है, उससे भी वस्तुओं और सेवाओं की, जो वस्तुओं की खासतौर से जो है वो मूल्य बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। और मूल्य, मुद्रा का जो मूल्य है, महत्व है, वो घट जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से जो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है उसको लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। नंबर पाँच, हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन के कारण भी मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। तो ये देखिए, हीनार्थ प्रबंधन के कारण से भी मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है। ये मुद्रा हीनार्थ प्रबंधन लाता कौन है? सरकार द्वारा बजट घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है, ये देखिए। और तब जब हीनार्थ प्रबंधन किया गया तब क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए नोटों को छापना, यानी ये छापा जाता है, जिसकी वजह से हीनार्थ प्रबंधन भी जो है एक कारण बनता है मुद्रा स्फीति का। तो उसीलिए इसको कहते हैं हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहते हैं। अब नंबर छः, मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने का छठवां कारण क्या है, अवमूल्यन। जो मुद्रा का अवमूल्यन है, अवमूल्यन आ गया। अब अवमूल्यन जो हो जाता है जब मुद्रा का, तो उसके कारण, जिसके कारण, इसी अवमूल्यन के कारण क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए। अवमूल्यन के कारण निर्यात बढ़ जाना और देश में आंतरिक पूर्ति घटना। जब निर्यात बढ़ेगा दूसरे देशों को माल सप्लाई होगी, भेजा जाएगा, तो अब जो है हमारे देश में आंतरिक वस्तुओं की और सेवाओं की, वस्तुओं की जो है पूर्ति कम हो जाती है, वो घट जाती है, जिससे जो भी वस्तु भी कम मात्रा में अगर हमारे मार्केट में, हमारे देश में है, तो उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब देखिए यहाँ पर नंबर सातवां कारण है मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने का,
समाज की बढ़ती आय के उपभोग। अब और देखें एक मिनट, एक यहाँ पर सुना मूल्य का अवमूल्यन जो है जो होता है उसके उसके लिए जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अवमूल्यन जनित स्फीति। लेकिन अब आइए नंबर सातवां पॉइंट देखा जाए, समाज की बढ़ती आय के उपभोग पर नियंत्रण न होना। अगर बढ़ती आय पर नियंत्रण नहीं है, लोगों की आय बढ़ रही है तो भी खुली इसके कारण जो महंगाई बढ़ती है यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, यानी अब ऐसी स्थिति में जो स्फीति उत्पन्न होती है उसे खुली मुद्रा स्फीति कहते हैं। जानते ही होंगे कि दबी मुद्रा स्फीति में जो है वो कम होता है, उस पर नियंत्रण होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कारण है मुख्य रूप से खुली मुद्रा स्फीति, इसको कहते हैं। कब? जब समाज की बढ़ती आय के कारण वस्तुओं सेवाओं की कीमत बढ़ जाए, मुद्रा के उपभोग पर नियंत्रण न रह जाए, मुद्रा का मूल्य महत्व घट जाए, तो इस तरह से ये आपका ये भी एक कारण बनता है जिसमें खुली मुद्रा स्फीति कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब आपको ये वीडियो हमने इसलिए शेयर किया और क्योंकि मुद्रा स्फीति आपने पिछले वीडियो में समझ लिया था, अब ये जानना जरूरी था कि मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने के कारण क्या है। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को आप बराबर देखते रहिए, आपको दिन सामग्री बराबर मिलती रहेगी। और हमारे नए सब्सक्राइबर अगर बनने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसको लाइक करते रहिए, आपको अध्ययन सामग्री बराबर मिलती रहेगी। आपके भविष्य निर्माण में जो भी सहयोग होगा हम करते रहेंगे। धन्यवाद।